हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर धार्मिक हमदर्दी लेने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व वीरभद्र सरकार पर धार्मिक टेरों की जमीन खरीदने पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया है। वहीं राहुल गांधी पर टिप्पणी को कांग्रेस द्वारा कट पेस्ट करके लोगों को गुमराह करने का दावा किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और एक धार्मिक संस्थान के अनुयायियों पर टिप्पणी करके कांग्रेस के निशाने पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने सफाई दी है। सत्ती ने प्रदेश कांग्रेस पर झूठ बोलकर धार्मिक हमदर्दी लेने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सत्ती ने ऊना में मीडिया कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की पूर्व वीरभद्र सरकार पर समाज में जागृति लाने वाले धार्मिक डेरों के जमीन खरीदने पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस रोक के बाद में बीजेपी की धूमल सरकार ने हटाकर लोगों को राहत दी है। राधा स्वामी डेरे के बारे में वो बोले हैं, कांग्रेस के लोग स्वयं राधा स्वामी डेरे को जमीन ने हिमाचल प्रदेश में खरीदनी थी जब वीरभद्र जी शासन में थे, इस बार से पिछली बार तो इन्होंने डेरों को खरीदने के लिए परमिशन नहीं दी थी, यही वो कांग्रेस है। और उस समय प्रोफेसर धूमल जी जब चीफ मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने उसमें क्लॉज में एक प्रावधान किया कि कोई भी धार्मिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति जो एक अच्छा समाज के लिए काम करता है वो जमीन ने हिमाचल प्रदेश में खरीद सकता है। इसका धन्यवाद स्वयं वहाँ के डेरे के जो मुखिया हैं, जब मैं और धूमल जी वहाँ पर गए थे पिछले चुनाव में, हम लोग गए थे और इस चुनाव में मैं और अनुराग जी वहाँ पर गए थे, तो आज भी वो याद करते हैं कि हम बीजेपी का ये एहसान नहीं भूल सकते कि आप लोगों ने हमें बार बार की परमिशनों से निजात दिलाई। और हम लोग तो मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद डेरे इनके मामलों में हम लोग की क्या पॉलिसी है बीजेपी की, हम लोग स्वयं जानते हैं। और यही वो लोग हैं जो ऐसे लोगों का भी ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं चुनावों के दिनों में। सत्ती ने राहुल गांधी पर उनके द्वारा की गई टिप्पणी को कांग्रेस द्वारा कट पेस्ट कर जनता को गुमराह किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बद्दी में उनके द्वारा किसी और की फेसबुक पोस्ट कर सुनाई गई थी, जो कि राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर चौकीदार चोर की टिप्पणी के बाद उस पोस्ट के धारक के द्वारा राहुल गांधी पर की गई थी। सत्ती ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इस पोस्ट को पढ़कर यह दर्शाया था कि यदि राहुल गांधी या कोई भी मोदी को बिना आधार के आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो जनता भी आक्रोशित टिप्पणियां करेंगी, इसलिए वो राजनीति में मर्यादित भाषा प्रयोग किए जाने की बात कहते हैं। आज पिछले कल से कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसी अफवाहें फैलाने की कोशिश की है जो उनकी अफवाहें बिल्कुल निराधार हैं। अगर जो सोलन के अंदर राम शहर में हमारा अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन था, उसकी टोटल जो वहाँ की मेरी स्पीच है, अगर उस स्पीच को कोई पढ़ेगा तो ध्यान में आएगा कि जो राहुल गांधी जी के बारे में मैंने बोला है वो किसी व्यक्ति ने जो फेसबुक के ऊपर लिख करके मैसेज किया है आगे लोगों के लिए, उसको पढ़ करके मैंने वहाँ पर सुनाया है। उसको कांग्रेस ने कट पेस्ट करके एक लाइन में ये कर दिया कि मैंने राहुल गांधी जी को बोला है, यानी इससे बड़ा झूठ और तूफान कोई नहीं हो सकता है। और कांग्रेस के लोग हमेशा देश में अफवाहों की, झूठ की और लूट की राजनीति करते रहे, उसके कारण इनको लगता है कि हिमाचल में और कोई मुद्दा तो है नहीं आजकल इनके पास, वोटें जो मांगने जा नहीं रहे हैं, सब लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लीडर्स उन्ना वाले मंडी घूम रहे हैं, मंडी वाले कांगड़ा घूम रहे हैं, कांगड़ा वाले शिमला घूम रहे हैं, तो इनको वोटें मांगने का समय नहीं। इनको लगता है कुछ हो हल्ला किया जाए ताकि जो कंपेन है उसको उलझाया जाए, और हमारे लिए तो अच्छा है कि जो इसी में उलझे रहे। भारतीय जनता पार्टी अपना कंपेन कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में मैं तो क्या, हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता।